गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 10 सितंबर 2024, सुबह के बज रहे हैं 9:30। टेम्परेचर हो रहा है 26 डिग्री। और भाई आज का मौसम बहुत डिप्रेसिंग सा है। वो चमचमाती धूप जो निकलती है, जो खिला देती है पूरी जगह को, पहाड़ों को, वो है ही नहीं आज, मिसिंग है। आज बादल से हो रखे हैं, तो इसका मतलब आज बारिश भी आ सकती है, दोपहर बाद तेज बारिश आ सकती है। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा दिन की शुरुआत करते हैं। मम्मी भी उठ गई, हो गया सब झाड़ू पोछा, सब साफ सफाई हो जाती है हमारे घर में उठते ही। हेलो लक्ष्मी, क्या कर रही हो? पूरी बना रही हो आज? किस खुशी में? क्या है आज? ऐसे ही यहाँ पर हल्दी सूख रही है। आज धूप ऐसे ही नहीं निकली, अभी तो गीली हो रही है। वैसे बोलते हैं इसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना चाहिए, ये बोलते हैं इसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना चाहिए। यहाँ पर मॉर्निंग आरती भी हो चुकी है और दिया बत्ती भी हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे घर में दो टाइम जोत जलती है डेली, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ये काम ऐसा है, इसको हम बिल्कुल भूल नहीं सकते, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं जला, मुझे लगा वैसा रखा, हाथ जल गया। मुझे लगा वो ऐसे ही रखी है बिल्कुल झुकी, तो मुझे लगा जली नहीं, मैंने उठा ली। राख जली हुई थी वो पूरी, राख होगी उसकी। हाँ मुझे लगा ऐसी रखी झुकी तू, कोई बात नहीं, इतना नहीं जला। आटा लगाने से हो जाता है, चलो आटा लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले साइट पे चलते हैं। साइट पे पहुंच चुका हूँ और भाई आज ये रेलिंग का काम चल रहा है, रेलिंग लगाने लग रहे हैं। और जीना इन्होंने ऊपर चढ़ाया नहीं, पता नहीं क्यों, ऐसे डिले मुझे पसंद नहीं है। कल जीना आ गया तो ऊपर चला जाना चाहिए था। चलो बोलते हैं इनको। सो ये जो पैसिफिक की बाउंड्री है, इसके किनारे आज यहाँ पे वॉल हो रही है। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन हो जाएगा अभी यहाँ पे। अब ये है कि पूरी पार्किंग एक हो जाएगी, इस तक मिल जाएगी, फिर टाइल वगैरह हमारी यहाँ तक लग जाएगी। और ये जो दीवार के किनारे जो गंदगी है, मिट्टी है, वो भी रुक जाएगी। बाद में जब वो कर दोगे, ऐसा कर देना कि पानी ना, जो ऊपर से पानी आए, पानी इसके अंदर ना घुसे, है ना? हाँ हाँ, बस 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 बस, अच्छे से चिपका के, ताकि अंदर घुसेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सिवा मिल गया है आज, ये आज इसने ब्रेड खाया, ये ब्रेड ब्रेड खाया या वैसे ही ले आया कहीं से खाली? अच्छा कल आया था ब्रेड। ब्रेड कैसा लगा तेरे को? मजा आया ब्रेड खा के? आज आज खाना खा लिया तूने? खा लिया भाई, देखें पेट, देखें भाई पेट तो पूरा निकल रहा भाई, खाना खा लिया, पेट भरा हुआ है इसका। वो कहाँ चली गई तेरी दोस्त पूनम? पूनम कहाँ है? पूनम गई। ठीक है दोस्तों, अभी एक प्लॉट देखने जा रहे हैं, यहीं पे ही है, इसके पिछली वाली गली में ये वाला प्लॉट है। झाड़ी बहुत हो रही है भाई प्लॉट में। हमारा प्लॉट आ जाएगा। अच्छा ये वाली बाउंड्री यहाँ तक है भाई, बहुत ज्यादा झाड़ियाँ हो रही हैं यहाँ पे। कोच भाई यही है? मैं राणा हूँ भाई, जो है ये इनके साथी। अच्छा अच्छा राणा जी, आप इतनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है ना, मानसून में चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें भी प्लॉट की बाउंड्री जरूर देखनी है, तो इसलिए ये सारा ऐसे चलना पड़ रहा है। देखो अच्छा, यहाँ से बाउंड्री मिल गई है, ऐसे जा रही है। ये 192 है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, ये मिल गया है ना? ओ भाई यहाँ से जाना पड़ रहा है। चलो अच्छा, यहाँ पे ऊंची बाउंड्री हो रखी है। मधुमक्खी तो नहीं है? नहीं, इधर से नहीं जा पाओगे, या तो वहीं से चलो जहाँ से आए थे। अच्छा अच्छा, गए हो तुम? चलो चलो चलो, भाई कहाँ से जाना पड़ रहा है, जंगल से। ओ भाई पीछे मतलब उठाओ वाली बात है, तो आप सब की बाउंड्री हो। जब इच्छा तो 40x51 वो 36x51 है। सो दोस्तों अभी मैं स्थल आ गया था, ये भाई जो जिन्होंने प्लॉट दिखाया, इनको भी मैं अपना वाला प्लॉट भी दिखाने आ गया था, कासिन के थ्रू सेल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और देखो धूप निकली हुई है और पहाड़ों पर मौसम अभी भी ख़राब होना शुरू हो गया है। सो भाई जो सामने प्लॉट का टोकन दिया है, उसको उसकी झाड़ी साफ करवा लेते हैं, अभी कोई मिस्त्री खाली हो जाएगा। वही यहाँ ससदार रोड पे पूरा अंधेरा सा हो गया है। अभी हम राजपुर जा रहे हैं, जो सबसे यहाँ पे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है और हाईएस्ट पॉइंट है देहरादून का। देखते हैं वहाँ जाते जाते कैसा मौसम हो जाएगा। वहाँ पे लास्ट टाइम एक कैफे में नहीं जा पाए थे, नारकोज द फूड कार्टर, वहाँ जाते हैं, वो ओपन हो गया है। आसानी शुरू हो गई है, अब इस कार के ऑटोमेटिक सेंसर चालू हो जाएंगे। भाई सबसे पहले ये वाली कार आई थी किया की सेल्टोस, जो इसमें टेक्नोलॉजी है, जो स्क्रीन है कितनी बढ़िया है, Level 2 अडास वगैरह सब कुछ। अब इसी को कॉपी कर करके क्रेटा में डाल दिया और फिर अब अलकाजार में डाल दिया,
अब मतलब इसका ट्रेंड चल पड़ा है, अगर इस सब चीजों के अलग कोई कार आ रही है तो वो पब्लिक रिजेक्ट कर देगी, खरीदेगी नहीं। अब देखना कुछ दिन में जो स्विफ्ट वगैरह घूम रही है ना, इनमें भी यही स्क्रीन मिलने वाली है। जमाना बदल रहा है भाई। भाई अभी यहाँ पे राजपुर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, फूड कार्टल में। अभी चलते हैं थार देखने, क्योंकि थार आज आ चुकी है। आज तारीख है 10 तारीख को थार आ चुकी है शोरूम में, और 14 तारीख से टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। वो भी होम में नहीं, होम में टेस्ट ड्राइव नहीं कराएंगे, शोरूम पे जाके ही मिलेगी। भाई हम थारों के शोरूम जा ही रहे थे, रास्ते में राजपुर रोड पे देखो इंटरसेप्टर खड़ी है। भाई देखो ये वाली ड्रेस होती है, पकड़ लिया पकड़ लिया, UK 07 इसको पकड़ लिया, इसने बेल्ट नहीं लगाई होगी। अरे हाँ। 1:15 और भी ज़्यादा डार्क हो गया है, बारिश तो मूसलाधार होगी, मूसलाधार। मैं अम्ब्रेला भी नहीं लाया, दूसरी कार में रखा है वो। 1:30 हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार बाईपास पे, देहरादून में हरिद्वार बाईपास का फ्लाईओवर है। और यहाँ से देखो उस तरफ तो कैसा मौसम खुला हुआ है, धूप आ रही है, और इस तरफ देखो राइट में पूरा वो है मसूरी के पहाड़ है, और वहाँ तो लिटरली भाई बारिश हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ISBT के आसपास। बस यहीं पर थार का शोरूम है महिंद्रा वालों का, तो उसको देख लेते हैं। आज ना यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी है कि हमने 100-200 meters आगे कार पार्क करी है, बिल्कुल भी जगह नहीं मिली यहाँ पे आज। कि ये पुरानी कारें भी भाई देखो कितनी सारी खड़ी है, नई नई। 1,75,000 का डिस्काउंट हो गया इन कार पे, पहले 1,00,000 का किया फिर 1.5 का। चलते हैं चलो महिंद्रा के शोरूम पे। ये है दोस्तों वो थार रॉक्स जिसका इंतजार था। सो भाई इसके 19 इंच टायर काफी बड़े लग रहे हैं, कैमरे में पता नहीं लग रहे होंगे या नहीं, वैसे लिटरली बहुत बड़े लग रहे हैं। काफी कम्फर्टेबल सीट है, ये देखो भाई सीट की क्वालिटी देखो, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बड़ी लग रही है, ऊंची लग रही है सब कुछ। मैं तो खैर पुराने वाली थार में भी ज़्यादा बैठा नहीं हूँ आज तक, एक ही बार बैठा हूँ शायद, वो पैसिफिक में रहते हैं तो एक बार उनके साथ थोड़ा सा गया था उनके प्लॉट पे, और एक बार ऐसा यही समझो कि कुछ ज़्यादा बैठा नहीं हो तो मैं बता नहीं सकता डिफरेंस कुछ भी कि क्या किस तरह का है। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है, इसमें ये दे रखा है खींचने वाला, पता नहीं टॉप मॉडल है क्या, एक A7 लग्जरी है शायद वो वाली होगी, वो उसको भी देख लेंगे। सनरूफ भी दे रखा है इसमें छोटा सा। महिंद्रा ने अपनी ज़्यादातर गाड़ियों पे डिस्काउंट कर दिया है, तो भाई 1,75,000 का डिस्काउंट बहुत होता है, इसलिए शायद यहाँ पे इतनी भीड़ लग रही है। यहाँ पे पूरा मच्छी बाजार बना हुआ है महिंद्रा का जो शोरूम है ये। सो भाई ये है टॉप मॉडल A7X लग्जरी, इसमें 19 इंच के व्हील्स हैं, इसमें 18 इंच के हैं। तो ये MX5 मॉडल है, बिल्कुल बेसिक नहीं है ये, बीच का मॉडल समझ लो। 3 मॉडल हैं, बेसिक, बीच का और सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर वाला वो है ये, बल्कि ये बीच का मॉडल है जिसमें अलॉय व्हील भी आ रहे हैं, बाकी उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, इसमें मतलब हैंड ब्रेक उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, टॉप वाले में इसमें ये इस तरह से हैंड ब्रेक है, बाकी स्क्रीन वगैरह तो सब आ ही रही है भाई। बाकी वैसे तो मैं आपने सब कुछ यूट्यूब पे देख रखा है, मैं तो बस अपने तरफ से, ये टॉप मॉडल है और इसमें इलेक्ट्रिक है ये देखो। अरे वाह, बस एक क्लिक करना है और लॉक लग जाए, और ये तो 4X4 होगी है और ऑटोमेटिक है ये सबसे टॉप है। चाबी चुबी तो निकाल रखी है। अच्छा इसके प्राइस अभी नहीं आए, जब प्राइस आ जाएंगे ना तब ये बुकिंग लेनी शुरू कर देंगे, फिलहाल अभी बुकिंग नहीं ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं नहीं बुकिंग 15 तारीख। हाँ, अब मैं साइड में बैठ जाता हूँ। भाई देखो चार लोग बैठे हैं पीछे। और सुनो एंड्रॉइड वो ब्लूटूथ कनेक्ट करके ना इसका म्यूजिक सिस्टम चेक कर, फुल एसी फुल फैन। ओ भाई न्यूट्रल है ना पार्किंग में, उसकी टेंशन नहीं है। आपने जो काम आज कर दिया ना वो कितना इजी है, इसका पावर स्टीयरिंग है ना इलेक्ट्रॉनिक है ना। ओ भाई नहीं महिंद्रा का इसे वो करो क्या सेटिंग्स म्यूजिक सिस्टम भी बहुत गजब है इसमें। सो ठीक है भाई, इसमें बैठ के तो मजा आ गया, अच्छी लग रही है काफी। इसमें सनरूफ तो पूरी है, पूरी सनरूफ है इसमें भाई। यूट्यूब पे बहुत देख ली, आज लाइव देख रहा हूँ। ये 19 इंच के अलॉय, ये देख सकते हो आप। और बारिश देखो देहरादून की बारिश, मैंने बोला था ना बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है, और फाइनली बारिश आई गई है। और यहाँ से 200-300 meters दूर हमारी कार खड़ी है, पैदल जाना पड़ेगा, छाता वगैरह कुछ नहीं लाए। ये देखो खतरनाक बारिश भाई, खतरनाक। ये भी भारी खड़ी थी, अंदर आइए किस तरह से पूरी गीली हो गई है भाई। लिटरली थार से अच्छा इसमें लग रहा है बैठ के, लग रहा है ना कम्फर्टेबल, और कितना सुकून सा मिल रहा है। उसमें मैंने हैंडल ऐसे पकड़ा, वो हाथ में आ गया पूरा, फिर मैंने उसको रख दिया भाई यहाँ पे, कभी मेरा नाम ना लगा दें। और ये मैं हम छू रहे थे तो ये पूरा हिल रहा था प्लास्टिक, मतलब ये क्लास है, वो क्लास नहीं है, वो बस अजीब सही चीज़ है कुछ।
और इसमें देखो ना ये क्या क्लास है, क्या इंटीरियर है, हर चीज कंफर्टेबल। इसमें थाई सपोर्ट इतना है, पूरा बैठा हूँ मैं मस्त, लेकिन उसमें इस तरह से नहीं बैठ पा रहा, उसमें थोड़ा छोटी सीट है। तो अब आप समझ सकते हैं आपको कौन सी कार लेनी है, नहीं लेनी है। फाइनली बारिश रुकी और हम किसी तरह से महिंद्रा के शोरूम से बाहर निकल के अपनी कार तक पहुँचे। और भाई भूख लग चुकी है, 2:30 बज रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ये भी है, ब्रो कोर्ट, इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं, लास्ट टाइम इसमें आए थे। रेस्टोरेंट बार होटल, इसका नाम क्या है, हाँ येलो हिल पे आए हैं, रेस्टोरेंट पब एंड गार्डन, येलो हिल पे ही चलते हैं। भाई पहुँच गए रेस्टोरेंट में, अब ऑर्डर करते हैं कुछ। टाइम तो हमने उत्तराखंड का स्वाद पहाड़ी थाली खाई थी, सबसे पहले सनराइज ड्रिंक ट्राई कर रहे हैं, पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस वगैरह है इसमें, सब लिटरली इनका जूस है ना सुपर है, मजा आ गया भाई। यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था, सबसे बेस्ट लगा था। यहाँ पे थाली आ चुकी है, देखो कितनी सारी चीज़ें दी हैं, और पूरी और रोटी। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी थाली तो खा ली है, बहुत टेस्टी था भाई खाना, सब कुछ ही अच्छा था इसका। तो अभी वापस जा रहे हैं साइट पे, और बारिश लगातार ड्रिजलिंग चली रही है ये देखो। और भाई कार 24 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है और फ़ोन दिखा रहा है 29। सो ठीक है दोस्तों, बैक टू साइट, और यहाँ पर जिसका आज टोकन दिया है इसकी सफाई करवा रहे हैं, और ये सफाई करवा के फिर कल इसकी बाउंड्री करवाएंगे, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है रजिस्ट्री से पहले, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो भाई सामने आ जाएगा निकल के। सो दोस्तों मॉनसून में आप देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हो रही हैं, वो वाली अपनी साइट है एयरबीएनबी की, जिससे पूरा व्यू आता है पैसिफिक गोल्फ का जो स्विमिंग पूल से उस तरफ, और अब ये वाली साइट हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल टीन डाल के छोड़ देंगे। और भाई कितना ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही हैं, कितना मुश्किल, वो साइट सामने थी और अब हम अपनी वापस साइट पे आ चुके हैं इस वाली पे। और देखो आज ग्रिल लग रही है, तो थोड़ा कंप्लीट सा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है देखने में, जब ये ऊपर भी लग जाएगी तो और भी। सो काम अब हमारे हाथ में है, कॉन्ट्रैक्टर साहब है नहीं, तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, दिल खोल के काम हो रहा है, सुपर मज़ा आ रहा है भाई। और यहाँ पर लास्ट में भी बाउंड्री होगी है, बढ़िया है। मैंने इनको इसको स्पेशली बोल दिया था कि भाई सीमेंट ऐसा करना, बारिश आए तो रपट के इधर आ जाए ताकि अंदर ना घुसे। यहाँ पर सिवा भी मिल गया है, अब बारिश होती इसको लग गई ठंड, इसने बदल लिए हैं कपड़े, ये पहन लिया है पांडे वाला। कैसे परेशान है तू, परेशान कैसे, तेरा मूड ऑफ लग रहा है, तू रो रहा था, रो रहा था है, नहीं रो रहा था, जा खेल ले। सो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे, अभी बारिश रुक चुकी है, पिछले 1-2 घंटे भाई दबा के बारिश हुई यहाँ पे, इसी वजह से फोग भी क्रिएट हो गया है। अगर ये इधर हो जाएगा मुझे लग नहीं रहा कि इतना लगेगा भाई। देखो फाइनली जीना छत पे ले आए हैं और इसको लगा रहे हैं, फिर हम चढ़ के देखेंगे इधर डर लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा तो गैप रहेगा इधर, क्योंकि इधर से देखने में ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो अब सारे काम से फ्री हो गए हैं, अभी विजय भाई के पास चलते हैं। यहाँ पर एक प्लॉट है बहुत ही अच्छी डील में मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं हम उसको टोकन देके वो उठा लेते हैं, ताकि फिर हम उसको सेल कर देंगे आगे। सो मेरा बैग आज ईशान भाई की कार में रह गया है, ये देखो बिल्कुल खाली है कार, तो उसको पिक कर लेते हैं, अभी पैसिफिक गोल्फ चलते हैं, वो वेट कर रहे हैं उधर ही। सिक्योरिटी वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे तुम्हारे सामने ही है, फिर मैं उनका हाउस नंबर बताऊंगा, तब उनके पास पिन जाएगा, उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी मोबाइल में, तब वो अप्रूव करेंगे। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी है यहाँ पर आ गए दोस्तों। हो गया कन्फर्म, चलो चलो भाई चलते हैं। ठीक है तो भाई इन्होंने एंट्री पे पकड़ लिया था, जाने नहीं देते, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, तो इसलिए मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है भाई, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तुम इसके अंदर रह रहे हो, तुम्हारे पीछे बदमाश पड़े हुए हैं मारने के लिए, और तुम्हारी मुखबरी हो रही है, अंदर नहीं आ सकते भाई, और अंदर इतना पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ रह रहे हो, इतने बड़े सोसाइटी में कहीं पता ही नहीं चलेगा, ढूंढता रहे भाई, जहाँ ढूंढना है वहाँ ढूंढता रहे, तो ये बेस्ट है ना। ठीक है बैग तो पिक कर लिया है, अब चलते हैं विजय भाई के पास। सूरज बहुत तेज है यार, वैसे लिटरली आज हम थार देख के गए ना, तो मज़ा नहीं आया, मतलब जो नई वाली थार है और पुरानी थार मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कॉम्पैक्ट सी एक होता है ना, एक फिट बैठने वाली, उसके टायर देखने में अच्छे लग रहे हैं, मतलब टायर पे जम रही है उस, वो जो मतलब एक साइज हाइट वो परफेक्ट है पुराने वाली की, ये थोड़ी सी लंबी सी है, मुझे ऐसा नहीं आया मेरे को इस वाली नई वाली में, मेरा तो मन कर रहा है भाई पुराने वाली ही ले लो, देखो जैसा भी होगा, अब अगर इसकी बहुत ज़्यादा वेटिंग रही तो पुराने वाली उठा लेंगे। आ जाओ विजय भाई, कैसे हो? चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मीटिंग हो गई है, और मखलो का रेस्टोरेंट है घर के पास ही, और देखो भाई ये जो है ना सी सेल रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये वो वाला रेस्टोरेंट है जिसमें नीचे पानी भर कर रखते हैं और नंगे पैर बैठते हैं सब, और मछलियाँ घूमती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताइए विजय भाई, एक ना कोल्ड कॉफ़ी गिरा दी, सारा पानी सुखाना पड़ा फिर, क्योंकि खाना तो गिरता रहेगा ना,
पहले तो ये इंस्टाग्राम पे इतना फेमस हो गया था, यहाँ लाइन लगती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, पता नहीं है या नहीं है। दोस्तों बैक टू होम। ये देखो भाई कितने डार्क हो चुके हैं पहाड़, ऑलमोस्ट नाइट। सुबह भी भाई ऐसा ही सीन रहता है, 4:30 बजे, और एक बार शाम को भी ऐसी सीन हो जाता है। तो ठीक है, पूरा दिन काम करके फाइनली बैक टू होम। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है मसूरी।